इसको शुरू करने के पीछे का एक रीजन क्या रहा? फायदे बहुत हैं पब्लिक, ये पीती है, डिमांड है इसके, पीते हैं लोग। और भैया इसका क्या प्राइस रहता है, आप कितने का खरीदते हैं? ये किलो के हिसाब से पड़ जाता है। एक दिन में कितना सेल कर देते होंगे? 2,500-3,000 रुपए की। अच्छा, तो अगर मैं देखूं आप जब इसको बनाते हैं इसमें क्या क्या चीजें यूज करते हैं? बेल पत्थर होता है, इसमें पानी डालते हैं, चीनी डालते हैं, बर्फ डालते हैं, बस और कुछ नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, दिस इज किरण। फ्रीडम ऐप बिजनेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रीडम ऐप बिजनेस आपसे प्रॉमिस करता है कि वो हर तरह का बिजनेस कवर करेगा, तो ऐसे ही एक बिजनेस को कवर करने के लिए मैं आप पहुंची हूँ बेल पत्थर। इसकी सबसे खास बात यह है कि एक बेल पत्थर में आप 4 से 5 ग्लास बना सकते हैं, साथ ही ये पेट के लिए भी काफी अच्छा होता है। तो इसमें क्या क्या फायदे हैं, इसका बिजनेस कैसे किया जा सकता है, कितने रुपए किलो ये खरीदते हैं और कितना इन्वेस्टमेंट होता है, कितना प्रॉफिट भैया निकालते हैं, ये सब हम जानेंगे इस रेडी के ऑनर से। सबसे पहले भैया आपका नाम जानना चाहूंगी। नाम है ताहिर। ये बिजनेस आप कब से कर रहे हैं? ये कर रहे हैं 8-10 साल से। इसको शुरू करने के पीछे का एक रीजन क्या रहा? सीजन, ये सीजन वाइज सीजन है, ये सही चलता है, मतलब ये है इसका फायदे बहुत है पब्लिक, ये पीती है, डिमांड है इसके, पीते हैं लोग, पेट के लिए पाचक होता है ये, और मतलब जो है अच्छा शरीर में लग सकता है, लू नहीं लगती है इससे, बहुत फायदे हैं इससे। इसको पसेरे के हिसाब से खरीदते हैं या फिर किलो के हिसाब से? ये मैडम किलो के हिसाब से, वजन के हिसाब से आता है मंडी में से। और भैया इसका क्या प्राइस रहता है, आप कितने का खरीदते हैं? ये किलो के हिसाब से पड़ जाता है 50-60 रुपए किलो। तो आप एक बार में जब आप लेते हैं तो आप कितना किलो लेते हैं? ये किलो 50 किलो लाते हैं, 60 किलो लाते हैं, बोरी आती है इसकी। और ये कितने, एक 50 किलो 60 किलो एक दिन में कितनी बार, मतलब एक दिन में 50-60 किलो खत्म हो जाता है? नहीं, एक दो दिन में चल जाता है ये, 2-3 दिन में, वो सेल के ऊपर है, जैसी सेल होगी गर्मी थोड़ी बढ़ेगी, अच्छा लोग पीते हैं इसे। तो भैया जैसे कि अगर हम जूस की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे जूसेस रहते हैं, मैंगो का जूस रहेगा, फिर क्योंकि अभी सीजन मैंगो का चल रहा है, फिर मौसमी का जूस रहेगा, पाइनएप्पल का जूस रहेगा, तो आपने ये बेल का ही जूस क्यों चुना? मैडम बेल का डिमांड लोग करते हैं, पीते हैं, अच्छे हैं, मतलब सही है ये, अपनी अपनी वो है, कहीं मौसमी बिकती है, कहीं कुछ बिकता है, या बेल पत्थर भी सही बिकता है। तो अगर मैं देखूं कि आप एक दिन में कितना सेल कर देते होंगे? सेल हो जाती है 2,500-3,000 रुपए की, बच जाते हैं 800-900 हज़ार रुपये तक बच जाते हैं। आपका अगर जो आप सुबह सुबह जिसमें इन्वेस्ट करते हो, आप 2,000-3,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो? जी 2,000-3,000। और आप 1,000 रुपये प्रॉफिट में निकलते हो? तो अगर मैं देखूं आप जब इसको बनाते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं? इसमें पहली बात तो ये बेल पत्थर होता है, इसमें पानी डालते हैं, इसको चीनी डालते हैं, बर्फ़ डालते हैं, बस और कुछ नहीं होता है, बाकी सारा चीज़ें प्योर रहता है। तो भैया एक चीज़ और जानना चाहूँगी, आप यहाँ कितने बजे आ जाते हैं? यहाँ आ जाते हैं 10 बजे। और कितने टाइम तक रहते हैं? 4 बजे तक रहते हैं। 4 बजे तक आपका ये पूरा माल बिक जाता है? बिक भी जाता है, नहीं भी बिकता है। तो जब ये 4 बजे तक अगर माल नहीं बिकता तो आप फिर रॉ मटेरियल अपना ये वापस लेकर जाते हैं या फिर लेके जाते हैं? मतलब आपका टाइमिंग फिक्स है कि आप 4 बजे तक ही रहेंगे? जी जी। तो भैया इसमें एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, ये जो आपका वेस्टेज है इसका फिर आप क्या करते हैं? ये कल में हो जाता है तो दूसरे दिन हो जाता है ना, बच भी जाता है, ये खराब थोड़ी नहीं होता है ये बेल पत्थर। अगर जैसे कि हमने जूस बनाया और जूस आपका पूरा सेल नहीं हुआ तो आप खुद से? जूस तो उसी हिसाब से बनाते हैं ना, सेल हो जाता है फिर उसके बाद में नहीं बनाते हैं। इस बिजनेस से पहले आप कुछ कहीं जॉब वॉब करते थे? यही बिजनेस? नहीं, यही बिजनेस है, अभी ठेली लगाते हैं। तो आपने शुरुआत से ही जब आप इस मैदान में उतरे तो आपने सिर्फ बिजनेस ही करना प्रेफर किया? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आप वैसे कहाँ से? बदायूं डिस्ट्रिक्ट, यूपी से। यूपी से? यूपी से फिर दिल्ली कैसे मैनेज करते हैं आप? यहीं रहते हैं ना। फैमिली आपकी यहीं रहती है? नहीं नहीं, फैमिली नहीं रहते हैं, हम रहते हैं। तो आप यूपी से सीधे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए आए हैं? जी। तो अभी आपको पब्लिक का कैसा रिस्पॉन्स है? बढ़िया रहता है, बढ़िया रिस्पॉन्स है। हमारे जो यूजर्स हैं जो आपको देख रहे हैं इस वक्त और वो आपकी ही तरह कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, आप उनको क्या सजेशन देंगे कि किन किन चीज़ों का वो ध्यान रखें कि कैसे वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एक आपका सजेशन? तो ये कहूँगा अपने बिजनेस में करना चाहिए आदमी को अपनी बिजनेस। तो एक चीज़ इन्होंने बहुत सही बोला कि जो भी करो अपना खुद का करोगे तो एटलीस्ट आप किसी पे डिपेंड नहीं हो और ना ही किसी बात का डर, आप जो करोगे अपना खुद का करोगे। भैया इसमें कोई ऐसा रहता होगा ना जैसे कि अब सीजन तो चला जाएगा सर्दियों का, फिर उस टाइम पे फिर आप कौन से बिजनेस में जाते हैं? दूसरा काम कर लेते हैं कोई भी, सही है, मूंगफली है,
या और कुछ है, गर्म सर्दी आएंगी तो सर्दियों का कर लेते हैं, गर्मी आए हैं तो गर्मियों का सीजन। तो ये रेडी आपकी अपनी है? अपनी है। तो जो भी आप नया बिजनेस शुरू करते हैं वो इसी रेडी पे करते हैं? जी। तो शुरुआत से कितने साल हो गए आपको ठेली लगाते हुए? परमानेंट ही हो गए यहाँ पे 10-12 साल हो गए। तब 10-12 सालों से रेडी ही लगा रहे? जी जी। आपको कभी ऐसे परेशानी होती है नगर निगम वालों की या पुलिस वालों की रेडी के वजह से? नहीं मैम, कोई। जैसे आपको फुल सपोर्ट है? फुल सपोर्ट नहीं है, होती है, कमेटी भी आती है और पुलिस की रहती है, दिक्कत आगे पीछे हो जाते हैं चलते फिरते, कोई ऐसी है। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि पुलिस वाले या नगर निगम वाले आते तो एक दिन आपकी रेडी नहीं लगी? नहीं, ठेली ले भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, कमेटी वाले ठेली भी ले जाते हैं। मतलब जो है उसका पैसे देने पड़ते हैं ना, पर्ची के सरकारी खाते में जाते हैं। कितना रहता होगा वो? 1300 कुछ रुपए की पर्ची है इसकी। तो आप कैसे, कोई फिक्स टाइम है कि इस टाइम पर ये सामान उठाने आ सकते हैं? नहीं, फिक्स टाइम कुछ नहीं होता, कमेटी का दिल कॉर्पोरेशन वालों को क्या फिक्स टाइम होता है, जब मर्जी आ जाए। तो आप ये जो फ्री आपका स्टॉल है जो रेडी आपकी, जब आप जाते हैं उसको साथ में लेकर जाते हैं या फिक्स करके जाते हैं? नहीं, साथ में ले जाते हैं। तो जब वो नगर निगम वाले आते हैं और यहाँ पर रहते हैं उसके बावजूद भी आपके सामने ही आपकी रेडी उठा के ले जाते हैं? सामने ले जाएंगे, कभी नहीं कभी दिखेगा तो सामने ले जाते हैं। अगर भैया मैं देखूं आप एक बेल में कितने जूस निकाल लेते हैं? एक बेल में छोटे में बड़ा अंतर होता है ना, उसमें बड़े बेल में निकल जाते 4-5 गिलास निकलते हैं। एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि हाइजीन का बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, सब साफ सुथरा रखा हुआ है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो उन्होंने एक बोरे में अपने जो भी ग्लास व्लास है, प्लास्टिक है, वो सारे अच्छे से रखे हुए हैं। तो यानी कोई कचरा इनकी तरफ से अगर देखा जाए तो वह नहीं देखा जाएगा, और मतलब स्वच्छ भारत का जो रूल है उसको बखूबी ये निभा रहे हैं। तो भैया अगर कुछ कुछ कस्टमर ऐसे होते हो जो ग्लास पी के यहाँ फेंक देते हो? नहीं, बोल पहले बोल दिया जाता है भैया, ग्लास आगे डस्टबिन में डाल। तो भैया इसमें एक मामला, एक बात तो ये भी सामने है कि भैया बहुत स्ट्रिक्ट है कि अगर आप जूस पी रहे हो तो आपको अपना ग्लास वहाँ जाके थ्रो करना है, ऐसे नहीं चलेगा। ये तो हुई बिज़नेस की बात, जिसमें भैया के अकॉर्डिंग उन्होंने जैसे बताया, उन्होंने अपने बिज़नेस शुरू करने के लिए 20-30 हज़ार रुपये की इनकी लागत लगी है, जहाँ इन्होंने बेलपत्थर, मशीन, ग्लास, बर्फ़, अपनी रेड़ी, इसमें जो कपड़ा लगा हुआ है वो सब कुछ इन्होंने अगर देखा जाए तो 30,000 मैक्सिमम 30,000 पे इन्होंने अपना सारा बिजनेस सेटअप किया है। तो आप खुद सोचिए कि इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कि ऐसा प्रॉफिट है जो मार्केट में काफ़ी चलता है, बस इसमें ना मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।